जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा। लाइव बुद्धा में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बाबा जी, जो वर्मा के रहने वाले हैं, लेकिन इंडिया में रहते हैं, प्रॉपरली यहीं पर सेटल हो चुके हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि वर्मा में जो होली मनाया जाता है वो किस प्रकार मनाया जाता है, और जो इंडिया में होली मनाया जाता है उससे किस प्रकार भिन्न है, अंतर क्या है वर्मा के होली में और इंडिया के होली में। बाबा जी, होली तो हर देश में है, साल के अंतिम दिन में ही लोग मनाते हैं। विभिन्न देश में विभिन्न लोग मनते हैं, विभिन्न कल्चर के अनुसार ही सब होता है। इंडिया में मनाते हैं कल्चर इंडिया के अनुसार होगा, लेकिन हम लोग पास में मनाते हैं, ये थाईलैंड में है, बर्मा में है, तो श्रीलंका है, उसी क्षेत्र में जाने से तो ये रंग खेलने का काम नहीं करता है, रंग नहीं खेलता है। लेकिन कार्डो मिट्टी मिट्टी तो देहात में तो कार्डो मिट्टी भी खेल देते हैं। पूरा खेल 3 दिन मनाता है। 3 दिन मनाने के बाद एंटी दिन में पूरा प्योर पानी और सेंस दे के सीतता है लोगों सबको, लोगों पर सीतता है लास्ट में। भारत में बाबा जो होली मनाने का वो आइडिया है, जो उसमें मिट्टी कीचड़ तमाम तरह के जो केमिकल है वो मिलाकर मनाया जाता है, क्या ये प्रचलन वर्मा और चाइना और अन्य देशों में भी इस प्रकार से मनाया जाता है? नहीं, उसे तो इतना गंदा नहीं करता है, इतना गंदा चीज़ तो लोग पसंद भी नहीं है, है ना, इसलिए खेलता नहीं। यहाँ तो ज़्यादा ज़्यादा अनपढ़ा लिखा देहात लोग जाता है, इसको मनाता है, तो पढ़ा लिखा हो गया मन का अंडरस्टैंडिंग मन में समस्या ज़्यादा बुद्धि हो गया, वही लोग खेलवे नहीं करेगा। हर देश में विभिन्न लोग है, अपने अपने कल्चर के अनुसार ही साल के एंटी डी में मनाता है, इसको इंडिया क्या बोलता है होली मनाता है। क्रिश्चियन में हैप्पी न्यू ईयर होता है, बर्मा में होता है तंगयान होता है, ऐसे ऐसे के तरह तरह का नाम लेकर खेलता है। लेकिन मुद्दा तो एक ही है, साल के लास्ट दिन में 3 दिन खेलता है, इन्हीं खेलता है। उसके बाद 3 दिन पूरने के बाद क्या करते हैं लोग, घर घर में बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जाके पूजा करता है, फल फूल दे के कपड़ा दे के पूजा करता है, प्रणाम करता है, ये एंटी दिन है। बाबा, जैसे भारत में मनाया जाता है होली, तो यहाँ पे नाच गान और मदिरा शराब का सेवन करते हैं, क्या वर्मा में और अन्य देशों में भी इसी प्रकार से होता है? नहीं, शराब तो जड़ी में नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा खैर नहीं खेलता है, ज़्यादा नहीं खेलता है शराब वगैरह। ये इसकी तो ऊपर में देहात में लोग तो खाली खेलने का भी मन है, खुशी करने का भी मन है, तो आसानी का काम है, बढ़िया खाए और खाल पी लो, पी के तरह तरह का गाना गाओ, ये तो नियम बन चुका है सरकारी तरह से, इसको देख के इसको बढ़िया ढंग से सजा के देने का नियम भी बढ़िया तरह से सजा के देने का भी कभी नहीं हुआ, इसलिए लोग सुधार नहीं हो रहा है। अभी दिन देखो, अभी जगह में आप लोग ही रेललाइन पर आ गया, आप लोग समझता है, पढ़ा लिखा लोग है, इसलिए इन लोग होली के पहले ही इन लोग जगह जगह पर इन लोग थोड़ा सा वानी टाइप का समझने का बुद्धि ज्ञान देना चाहिए, ऐसे खिल दीजिए। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग माँ बाप है, दादा है, वो लोगों जाके प्रणाम कीजिए, कुछ कुछ दर्शना कुछ दे के प्रणाम कीजिए, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत देश में ऐसे होता है। एक और सवाल बाबा जी, कि जैसे भारत में होली मनाने के एक दिन पहले बहुत सारे जलावन को जलाया जाता है इकट्ठा करके, हाँ, क्या ये प्रचलन विदेश में भी है? नहीं, पानी से मन को नहीं धो सकता है, इसको याद रखिए, पानी से मन को धो नहीं सकता है, पानी को धो मन को धोएगा सिर से ही धोएगा, सिर से नियम कानून से, कानून ये बोली जगह नियम है। यहाँ पे जो भारत में जो एक गाना होता है, गाना में गंदे गंदे वर्ड्स यूज किए जाते हैं गाली गलौज के माध्यम से, अरे भाई तो इधर गाली यूज नहीं करते, गालू जो इधर तो ज़्यादा है, मैं अभी बोल रहा ना, ये लोगों संभालने का गाइड करने का नहीं है ऐसा, सरकार भी इसे छोड़ के रख देता है, जैसे तैसे कीजिए जो कीजिए, तो ये लोग का मन है, हम लोग देख रहे हैं खाली खुशी रहने का,
अच्छा अच्छा खाएगा पिएगा फिर तरह तरह का गाना गाएगा, कोई कोई तो उठ नहीं पाते इतना पी के गिरा हुआ। ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। आप लोग तरह से भी लोगों को समझना चाहिए, खुशी से कीजिए खुशी से, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। कोई को बढ़िया कपड़ा पहन के बैठा है जाए तो मुँह माँ चले सब लगा दिया पूरा, और गिर के सब हंसने लगा तो बेचारा गुस्सा भी नहीं हो पाते है। ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके सुंदर तरह से दोनों तरह खुश हो, तुम ही खुश रहे, दूसरा लोग मन में दुख हो गया परेशानी हो गया, उसका चीज़ नहीं होना चाहिए। जो होली मनाए वो साफ सुथरा मनाना चाहिए। साफ सुथरा मने तो बहुत अच्छा है, लोग भी खुशी रहेगा। और यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं, बोलने वाला गाइड करने वाला है तो ये लोग भी तैयार हो जाएगा। इसी जगह में आप लोग गाइड की जरूरत पड़ेगा, बताइए लोगों को समझाइए ऐसा ऐसे ये कचरा गंदा है, ये खेलने वाला बाहर है, उसको देख के वो लोग हंसता है और कुछ नहीं। और खेल गए वाला आदमी गंदा कपड़ा तो गंदा एकदम फेंका गया कपड़ा, ऐसा चीज तो नहीं होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया गाना होता है साल में, वरना होली में गाना गाने से साल भर के अंदर में क्या क्या गरबा हुआ देश में, सबको ला के गाना गाते उसको, ये भी बहुत अच्छा है। सब कुछ ला के उसी में गाना गाते हैं, कंपोजर के कविता बना के गाना गा के उसी में बोलते हैं सुनाते हैं, उसी में किसी को भी दोष नहीं कर सकते। आप कहना है कि जो भारत में होली मनाया जाता है वो साफ़ सुथरा नहीं मनाया जाता है, साफ़ सुथरा मनाएं। जो विदेश में और वर्मा में होली मनाया जाता है वो पूरी क्लीन तरह से मनाया जाता है, सिर्फ पानी और सेंट मिला के लोगों पर सिर्फ छिड़कते हैं, गाना बजाना भी होता है, लेकिन जो भारत में जिस तरह का होली मनाया जाता है वो उस तरह का नहीं। तो बाबा एंटी डी में अच्छा लोग कपड़ा नहा के कपड़ा का पहन के निकल रहा है, उसी में जो परफ्यूम का पानी से पट्टी पट्टी जैसे कोई कोई पट्टी है ना कौन पट्टी बोलता है, जम्मू का पट्टी ज़्यादा यूज करता है, नीमा नीमा वाला पट्टी दे के उसी से सींचता है शरीर में सब लोग, ये वर्मा का नियम है। हाँ, तो बाबा ने बताया कि जो वहाँ पे होली मनाया जाता है वो पानी और सेंट जामुन या आम के पत्ती से छिड़का जाता है लोगों पे, भारत में इस तरह का नहीं मनाया जाता है। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।